हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते. मैं आई हूँ यहाँ क्राफ्ट्स म्यूज़ियम के स्टॉल में. आप लोग अपना इंट्रोडक्ट परिचय दे दीजिए. आप लोग वेस्ट बंगाल से टेराकोटा मास्क पेंट कर रहे हैं? हाँ, आर्ट आइटम बनाते हैं. अच्छा. और इसको एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट इसको कलरिंग देते हैं, उसका ड्यूरेबिलिटी देते हैं. ये क्या घर का डेकोरेशन के लिए ओके. आप लोग अपने नेम्स बताइए. मैं अमित चक्रवर्ती हूँ, मेरा असिस्टेंट है सर्वजीत घोष. अच्छा. तो सर, जैसे ये आपकी मास्क, जैसे ये लॉर्ड बुद्धा का फेस है, तो कोई रिलीजियस कल्ट से इंस्पायर्ड है? हाँ, ये रिलीजियस बेस में भी यूज होता है, डेकोरेशन बेस में भी यूज होता है. अच्छा. फैशन ज्वेलरी में भी यूज होता है. हाँ, ज्वेलरी आपके यहाँ बहुत सुंदर है. होम डेकोरेशन में भी ये आप इसको क्या कर रहे हैं, मास्क को ये ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, ये थोड़ा डैमेज हो गया था, तो इसको फेंकने से अच्छा थोड़ा इसको हाथ से बनाते हैं, इंटीग्रेट करके रिपेयर कर रहे हैं. अच्छा. तो कौन कौन से कलर्स आप लोग अपने मास्क में यूज करते हैं? मोस्टली इसको एब्स्ट्रैक्ट कलर पे बनाते हैं फिनिशिंग पे, और इसको एक्रेलिक यूज करते हैं. अच्छा. कितने सालों से ये आर्ट इवॉल्व हुआ है? आपका टेराकोटा शॉल एंशिएंट 2500 बीसी से है. पहले इसको होम रिलीजियस स्टेज पे यूज होता था, भगवान का मूर्ति वगैरह. अब फैशन डिजाइनिंग, होम डेकोरेशन और इन मल्टीपर्पज इन रेस्टोरेंट्स आल्सो देयर आर डिशेस. तो आपके पिगमेंट्स ही एक्रेलिक पेंट्स हैं क्या? हाँ, ऑल आर एक्रेलिक पेंट्स. मैंने भी अपने लाइक VFA पेंटिंग में अपने लाइक मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल कैनवास पे, लिनन कैनवास पे उसे बनाया है. एंड ये आप क्या यूज कर रही हैं, ये चीज ये है? ये एडहेसिव है. ओके. This is really interesting, guys. As the artisans are in action, so you can see their products. Like these are their products which they are making. The masks and very nice, colorful and quirky jewelry from West Bengal. It's really very very interesting and nice. You can see a bit in close up. And they have added a lot of enhanced my knowledge about their art form. Thank you, sir. Thanks a lot. Welcome.